बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अप्रैल 2024 कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा, इस पे आज बात करेंगे। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो ये महीना हेल्थ के हिसाब से कदर बेहतर रहेगा, लेकिन आंखों की जलन, दांतों का दर्द, कान का दर्द, इसका मसला आ सकता है और नेक पे भी कोई प्रेशर महसूस कर सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ इसमें कोशिश कीजिएगा कि डाइट फिर भी केयर कीजिएगा, क्योंकि तकरीबन सारे ही अफेक्टिंग हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के, इस जो गुजरा है बड़ी तेज़ी से हम सब में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चांद ग्रहण अभी 15 अप्रैल तक अपने इम्पैक्ट्स देगा और सूरज ग्रहण के तो अभी 1.5 माह मजीद रहेंगे, तो ये जब जो ज्वाइंट टाइम है बहुत मुश्किल हो सकता है, तो हेल्थ केयर करें। अगर कैरियर की अब बात करें तो कैरियर में अच्छा रहेगा, एफर्ट करते हैं ज़्यादा नज़र आते हैं, और लेकिन इससे ये होगा कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रहेगी और साथ साथ आप उसमें कोई बेहतरी भी ला पाएंगे। और इसमें भी आपके जैसे हसासदीन और आपको इस तरह के मसाइल का सामना रहेगा, काम में खलल डालने वाले मुखालफीन काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़े जॉब प्लेस पे। फिनांस की अगर बात करें, फाइनेंस की, तो माली हालात बेहतर रहेंगे कदरे, और लेकिन ये हो सकता है कि एक्सपेंस बहुत हाई हो सकते हैं और आपकी सेविंग्स उड़ सकती हैं, और इसके साथ साथ आपको सेविंग्स ना कर पाने का शिकायत रह सकती है अप्रैल में। लेकिन अगर आपका कोई इंटरनेशनली कोई कनेक्शन था किसी काम से, किसी कॉन्ट्रैक्ट से या कोई ऐसा, तो वो फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको कोई बाहर से पैसा आता नज़र आता है। उसके बाद अगर आप ज़मीन जायदाद का कोई मामला है तो उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके ज़रिए कोई आमदन आने का ज़रिया है। और ये है कि इस महीने कारोबारी अफराद उतना इन्जॉय तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपकमिंग टाइम में कुछ उसमें बेहतरी आ जाएगी। और लव लाइफ की अगर बात करें तो अच्छा रहेगा खास तो, और आप अपने लव पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते नज़र आते हैं, और इसी के साथ साथ आप कुछ उनको गिफ्ट देते भी नज़र आते हैं। और शादीशुदा अगर ज़िंदगी की बात करें तो थोड़ा बहुत ये 19-20 रहेगा, 15 अप्रैल तक तो हाई टाइम होगा, और कोई ना कोई आपके स्पाउस की केयर कीजिएगा, उसके सर्जरी के चांसेस हो सकते हैं। और वैसे ओवरऑल आपकी जो मैरिड लाइफ या लव लाइफ है 23 अप्रैल के बाद ही बेहतर होगी, जब मार्स अपनी पोजिशन छोड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें फैमिली, फ्रेंड एंड फैमिली की, तो वालदैन की सेहत में बेहतरी आएगी, ख़ानदानी मामलात में हंगामी नज़र आती है, हम आहंगी नज़र आती है, ख़ानदान के अफराद एक दूसरे के लिए जैसे मोहब्बत करते नज़र आएंगे। और उसके बाद अगर बात करें बहन भाइयों की, तो बहन भाइयों को थोड़ा सा ट्रबल नज़र आता है, ऐसा नज़र आता है कि उनको कोई खतरात लाहक हो सकते हैं और आपको उनकी मदद करनी पड़ सकती है उसके नतीजे में, तो ज़रूर कीजिएगा, सिला रहमी अल्लाह ताला का हुक्म है। और मैं समझता हूँ कि जो कता रहम होता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, तो दुआओं की तो हमें कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत होती है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो हमें हर वक्त हर दम कोशा रहना चाहिए और फुल आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके जो है आप अपने हद तक जाएँ, जो जो भी बहन भाइयों को आपकी मदद की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये ना हो कि मदद करते करते बहस हो जाए और फिर आप मदद से वो निकल जाए, क्योंकि ऐसे भी चांसेस होंगे कि आपको उनके रिलेशनशिप्स में आप मदद करने जाएं तो बहस हो जाए और फिर आप वहीं छोड़ छाड़ के आ जाएं, इस तरह का मामला हो सकता है। तो इसलिए ज़बान का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में कीजिएगा और अपने प्यारों को अपनी ज़बान के ज़रिए गुस्सा मत दिलाइएगा और बाद में जिसमें आपको पछताना पड़े। यही प्यार के रिश्ते होते हैं, आप देखें पूरी दुनिया में इंसान ये सोचना मेरे ख्याल में भूल जाता है कि अगर वो अपने क्लोजेस्ट, अपने ब्लड लाइंस, अगर इनमें वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा तो वो बाकियों के साथ क्या करेगा, या किसी गैर के साथ उसका क्या रवैया, और उसके खुदा पूछेगा भी क्यों। सबसे पहले उसके घर से सवाल शुरू होगा उसके रवैये का, उसके बाद ही तो बाहर की बात होगी। तो जो अपने घर में मार खा जाएगा, अपने घर में फेल हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई इस बात की वैल्यू है कि वो बाहर क्या करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यही कि आप लोग अपनी इस बात पे कोशिश करेंगे कि काबू पा के बच पाएँ, अपने रिश्तों को टूटने से बचाएं बहन भाइयों के, क्योंकि देखिए ज़बान तो चल जाती है,
लेकिन उसका जख्म जो है बहुत रह जाता है काफी अर्सा। कोशिश किया करें कि ऐसी उनसे जो है किनारा कशी इख्तियार करें कुछ अर्सा, खसूसन अप्रैल 23 तक। उसके बाद उम्मीद है कि काफी बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।